क्लास 10 की बेहद इंपॉर्टेंट टॉप पोएम, और जिसमें हम आज आप सीखेंगे कि ए टाइगर इन द जू, जो पोएम क्लास 10 में है इस वर्ष। ये आपकी पोएम है, कहाँ गई ये पोएम, ये आपकी पोएम है क्लास 10 की है, ठीक है। तो इसमें आज हम सीखते हैं कि पूरी पोएम को कायदे से सीखते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। लेकिन पहले वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आज हम पहली बार कह रहे हैं, कर देना। देखिए इसमें दो स्टेंजा मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बाकी स्टेंजा भी लिख दूंगा, पहले दो स्टेंजा पढ़ते हैं कि एक बाघ जो है वो जंगल में घूम रहा है और एक बाघ कैद है, तो दोनों बाघों में क्या डिफरेंस है। एक कवि बताता है कि एक बाघ जंगल में, खुले जंगल में घूम रहा है और एक बाघ जो है कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारों के अंदर या कैद किसी पिंजड़े में बंद है। तो इसमें देखते हैं कि पहला स्टेंजा क्या है कि ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब है, आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं तब ज़्यादा बेटर ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि हाई स्कूल की पोइम है, बोर्ड एग्जाम करीब आने वाले हैं, जितना आप सीख सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें वो भी कम ही रहेगा। तो इसे सीखिए कि ही स्टॉक्स, ही का मतलब है टाइगर और स्टॉक्स का मतलब है सांस से चलता है, इन हीज माने अपने, विविड माने चमकीली, स्ट्रिप्स माने धारियों के साथ। दोबारा समझिए, ही मतलब टाइगर, स्टॉक्स में शान से चलता है, इन हीज माने अपने, विविड में चमकीली और स्ट्रिप्स माने धारियों के साथ, एक टाइगर एक बाघ चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। फ्यू मीन्स कुछ, स्टेप्स मीन्स कदम, ऑफ हीज मीन्स अपने, केज मीन्स पिंजड़े में, अपने पिंजड़े में कुछ ही कदम शान से चलता है क्योंकि आगे जो है पिंजड़ा बंद है और इससे वो बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो कुछ ही कदम आगे पिंजड़े में चलता है। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब है तलवे, वेलवेट मीन्स मुलायम, क्वाइट माने काफी, इसके तलवे काफी मुलायम है, काफी कोमल है। और इन हीज क्वाइट रेज, इन हीज क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत दिखता है, रेज मीन्स क्रोध में भी, और वह क्रोध में भी शांत दिखता है, वह काफी शांत दिखता है, किसमें, क्रोध में। क्रोध बेचारा करे क्या, क्योंकि इंसान तो बाहर खड़े हैं, अगर वो खोल दिया जाए तो खा तो ले सकता है उन्हें, लेकिन आगे जो है पिंजड़ा बंद है, वो बाहर जा नहीं सकता है, गुर्रा करके बेचारा रह जाता है और फिर उसे शांत होना पड़ता है, तो क्रोध में भी शांत दिखता है। ऐसी जगह अगर कहीं पर बात आ जाए तो ऑक्सीमोरन अलंकार होता है, कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो इसमें जो है ऑक्सीमोरन अलंकार है, अर्थात विरोधाभास है, जहां पर आपको उल्टी बात लगे, ठीक है। जैसे कुछ भी ना रखते हुए वह सब कुछ रखता है, तो कुछ भी ना रखते हुए सब कुछ रखता है, या इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ रहस्य है, अगर ये भी ना समझ में आए तो प्यार मीठा दर्द देता है, लव गिव्स स्वीट पेन, प्यार मीठा दर्द देता है, ये तो बात समझ में आएगी। दूसरा देखते हैं स्टेंजा कि ही शुड बी, ही का मतलब टाइगर, शुड बी मीन्स होगा, लर्किंग मीन्स घात लगाए, इन शैडो मीन्स छाया में, एक बाघ जो है छाया में घात लगाए बैठा होगा, स्लाइडिंग मीन्स सरक रहा होगा, धीरे धीरे सरक रहा होगा, थ्रो मीन्स से, लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी घास से, लंबी घास से धीरे धीरे सरक रहा होगा, नियर मीन्स पास, वाटर होल का मतलब है फब्बारे के पास से या झरने के पास से, वह झरने के पास से क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे जो है सरक रहा होगा, किसकी, किसकी तलाश में, बेयर माने जहां से, प्लम्ब का मतलब है मोटे ताजे, ताजे मोटे ताजे, डियर मीन्स हिरन, पासेज मीन्स गुजरते हैं, ऐसी जगह से वो, जहाँ ऐसी जगह पर वो धीरे धीरे सरक रहा होगा, ऐसे झरने के पास से वो धीरे धीरे सरक रहा होगा जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, अर्थात उनकी शिकार करने के लिए वो घात लगाए वहां पर बैठा है। तो आशा करता हूँ कि समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। इसमें एक चीज क्या सबसे पहले पूछेगा, इसमें पूछेगा कि इस पोइम का नाम क्या है, तो नेम ऑफ द पोइम या टाइटल ऑफ द पोइम, तो नेम ऑफ द पोइम पूछेगा, तो नेम ऑफ द पोइम आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द पोइम, ठीक है, और इज, इज लिख करके आप क्या लिख देंगे, टाइगर इन द जू लिख देंगे, इतना तो समझदार है ही कि ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, नेम ऑफ द पोइम इज लिखेंगे और इसके आगे लिख देंगे टाइगर इन द जू, ठीक है। दूसरा पूछेगा, या नेम ना पूछ करके टाइटल भी पूछ सकता है, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, टाइटल ऑफ द पोइम पूछ सकता है, तब भी आप यही लिखेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, इसी में से दूसरा वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेम ऑफ द, नेम ऑफ द, इसमें पूछेगा पोइट, नेम ऑफ द पोइट पूछ लेगा, तब भी आप इज लगाएंगे और इस बार जो है ये वाला कवि का नाम लिख देंगे, ठीक है।
इस बार ये जो है कवि का नाम लिख देंगे, आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछ सकता है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? लयात्मक शब्द जो एक जैसे पढ़ने में हमें लगते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है एक जैसा निकलता है, जैसे केज और रेज, ये जो है एक जैसा लगता है। ठीक है, तो केज और रेज, स्ट्रिप्स और क्वाइट का मिल नहीं रहा है, शैडो और होल का मिल नहीं रहा है, ग्रास और पास का मिल रहा है, दूसरे वाले स्टेजियम में अर्थात इस पोएम में जो एक लाइन छोड़ करके दूसरे वाले में मिल रहा है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड में समझा देता हूं, राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है लयात्मक शब्द या तुकांत शब्द जो तुक के साथ अंत होता है। तो इसमें हम इस तरीके से लिखेंगे, केज राइम्स विद रेज, केज राइम्स विद रेज। ठीक है, और दूसरे हम लिख देंगे, एक ही स्टेंजा आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो कोई सा भी आ सकता है, इसमें और भी स्टेंजा है, कई स्टेंजा है, पर ये दो समझ लीजिए, ग्रास राइम्स विद पास, ग्रास राइम्स विद पास हो जाएगा। अगर राइम्स विद ना लिखे तब भी कोई बात नहीं, सिर्फ इतना लिख दें कि केज विद रेज और ग्रास विद पास, तब भी ठीक हो जाएगा। अगर राइम्स विद लिखते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, राइम्स का मतलब होता है इसकी लय इससे मिलती है। तो एक अभी कितने क्वेश्चन हुए? तीन। आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चनों को हल करते हैं, इसे साफ कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं। इसमें देखिए, ये आपकी बुक है हाई स्कूल की और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं इन क्वेश्चनों को आपको करा देता है। धैर्य बना कर रखिए, तभी आपको समझ में आएगा और इतनी जल्दी कहीं पर भी समझ में। पहला क्वेश्चन आई यहाँ पर, इसमें लिखा है कि हु वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, मैं लिख देता हूं, हु वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन टहल रहा था? तो आप समझ ही चुके हैं कि कौन टहल रहा था। आंसर में आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ए टाइगर। जहां पर हु है वहीं पर आप लिख दें, बाकी पूरा प्रश्न वैसा ही उतार दें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर हो जाएगा। ए टाइगर बाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, सब ऐसा ही लिख दें, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कैच, इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द केज, नीचे दिए गए चार विकल्प इसने दिए हैं, टाइगर डॉग बियर हॉर्स, इसमें चार विकल्प दिए हैं, टाइगर दिया है, बियर दिया है, हॉर्स दिया है और डॉग दिया है, तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं, इसमें टाइगर ही है, इसमें चार जानवर दिए गए नीचे, तो पूछ रहा है नीचे चार जानवर दिए गए उनमें से कौन जो है पिंजड़े में है, तो पिंजड़े में पता है मुझे टाइगर है, इसमें कोई भी आफत की बात नहीं। दूसरा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, विच टाइप्स ऑफ स्ट्रिप देयर, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, थोड़ा टफ है, करा देता हूँ। इसमें लिखा है विच टाइप ऑफ स्ट्रिप्स देयर वर ऑन टाइगर्स बॉडी, तो विच टाइप्स ऑफ स्ट्रिप्स देयर बर ऑन टाइगर्स बॉडी, टाइगर्स बॉडी मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझने की कोशिश करिए। विच टाइप्स माने किस प्रकार की, स्ट्रिप्स माने धारियां, देयर बर माने थी, ऑन टाइगर्स बॉडी में शरीर के ऊपर किस प्रकार की धारियां हैं, तो ये तो पता ही है विविड स्ट्रिप्स हैं, उसमें कुछ कोई बात नहीं है, तो देयर बर विविड स्ट्रिप्स, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे देयर बर विविड स्ट्रिप्स ऑन टाइगर्स बॉडी, जो हो गया आंसर।
देयर वर विविड स्ट्रिप्स ऑन टाइगर्स बॉडी। तो इस प्रकार से मैंने फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन सीख लिए और आशा करता हूं ऐसे कोई भी आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड आपको समझा करके नहीं देगा। फिर भी ना समझ में आए कमेंट करके बताइए कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया। जो चीज हाई स्कूल इंटर की जो भी चीज आपको पढ़ना हुआ करे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, सर इस चीज की मुझे वीडियो चाहिए या ये जो है मेरे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है या मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, तो मैं उसकी तुरंत ही जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें।